तूफान मारती समंदर की लहरों के बीच में यहाँ पर एक गंगेश्वर महादेव मंदिर मौजूद है और पीछे आप देख सकते हैं कि समंदर की लहरें जो है वो किस तरीके से यहाँ पर तूफान मार रही हैं। ये समंदर की लहरों का शोर जो है वो भी आपको सुनाई पड़ रहा है और ये गंगेश्वर महादेव मंदिर का मार्ग है। तो आइए चलते हैं यहाँ से और आपको इस सफर में ले चलते हैं। तो ये देखिए, ये गंगेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर है और हम सफर में चलने वाले हैं। तो ये सीढ़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और आइए चलते हैं। और ये देखिए सबसे शानदार चीज, आप यहां पर जब आएंगे तो ये यहां नंदी मौजूद है और नंदी के अलावा ये देखिए यहां पर कई सारे भगवान स्थापित किए गए और यही मुख्य मंदिर है। ये देखिए यहां पर तो गंगेश्वर महादेव मंदिर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर आपको 5 शिवलिंग नजर आ रहे। देखिए समंदर की लहरों के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 शिवलिंग जो है दरअसल ये पांडवों ने स्थापित की थी अपने अपने खत के हिसाब से। ये बड़ी वाली शिवलिंग जो है बताया जाता है कि भीम की है क्योंकि उनका खत बड़ा था और अपने अपने खत के हिसाब से है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए समंदर की लहरें यहाँ पर आती हैं, यहाँ टकराती हैं और इन शिवलिंग से टकराने के बाद वो यहां से वापस लौट जाती हैं। मानो ऐसा लग रहा हो कि बार बार भगवान भोलेनाथ को वो स्नान करा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देखिए, ये समंदर की लहर देखिए, ये तेज लहर आई और यहां पर लहर उसके बाद यहां से वापस लौट गई। तो भगवान का स्नान जो है वो लगातार चल रहा है और ये दृश्य जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा मनोरक है, बहुत मनमोहक है। और ये तस्वीर आपने देखी नहीं होगी क्योंकि ऐसे आमतौर पर शिवलिंग और एक साथ 5 शिवलिंग और ये समंदर की लहरें यकीन मानिए रोमांचित करने वाली है। इसलिए अगर आप दीव आते हैं तो इस जगह पर जरूर आइए क्योंकि ये जगह जो है बहुत ऐतिहासिक है, खूबसूरत है और धार्मिक लिहाज से भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो भगवान भोलेनाथ से हम आशीर्वाद लेते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि अगर आप दीव आने का प्लान करते हैं तो इस जगह पर जरूर आइए क्योंकि ये जो लहर आने वाली है पहाड़ों के बीच में से, देखिए ये आपको रोमांचित कर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, दीव शहर में और जो कुछ खास है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये ऐतिहासिक है, खास है हर दृष्टिकोण से।